हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि वहां पे है हाय बाय हाय। वहां पे वो है पूजा है। कब से शिव पुराण चल रहा था, शिव पुराण चल रहा है यानी। तो आज हम जा रहे हैं और कल भंडारा हो जाएगा वहां पे, तो हम कल तक रुकेंगे। तो शाम को तो हम वहां पे पूजा वूजा करके आ जाएंगे दीदी के वहाँ पे। दीदी कांडा पे रहती है, तो वहाँ पे रहेंगे। गांव वाले घर पे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अकेले में है, तो वहाँ पे डर लगता है। मेरे को तो नहीं लगता डर, लेकिन फिर भी मम्मी को डर लगता है ना, इसलिए हम दीदी के वहाँ जाएंगे, लक्ष्मी दी के वहाँ। और दिन के बज चुके हैं 12। मम्मी का आप जानते ही हो, ईजा को अभी जो लंच बना रखा है, लंच वगैरह कर लिया है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे मंदिर पे। और बुआ का कॉल आया था कि उनको भी पिकअप कर ले, तो हम पंचौड़ा जाएंगे, पंचौड़ा से उनको पिकअप करके, और वो भी आएंगे उधर पे शिवपुराण में, मेरे गांव में। तो वहाँ पे फिर हम तीनों लोग जाएंगे। भावना और निशा को तो बोल दिया था, लेकिन उनके बहुत हजारों नाटक है, वो नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं। वैसे तो बहुत फोर्स किया था, और अंशु को भी बोला था, अंशु और उसकी मम्मी पूनम दी को भी बोला था चल करके। उस उन दोनों के भावना और निशा से भी ज़्यादा नाटक है, तो वो दोनों भी आ नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं कि पेपर है, ये है वो है करके, तो आ नहीं रहे हैं। तो मैं और मम्मी और बुआ ही हैं फिलहाल, तो बाकी तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, और देखते हैं। मेरे को तो बताइए, मैं तो बोर हो जाने वाला हूँ। रचित का भी स्कूल है, तो रचित को लेने आऊँगा। दे अब मैं पहले ही चले जाऊँगा उधर पे दीदी के वहाँ, देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी आज का मौसम तो धूप हो रही है, इसलिए मैंने भी शर्ट पहन रखी है, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है गाड़ी में यार। एक तो धूप से गाड़ी पूरा हीट हो जाता है ना, अंदर से पूरा गर्म हो जाती है, तो इसलिए जैकेट तो मैं बस सेफ्टी के लिए लेके जा रहा हूँ। अब देखते हैं, अगर शाम को वहाँ पे ठंड होगी तो जैकेट पहनूंगा, नहीं तो ज़रूरत है नहीं जैकेट पहनने की भी। मम्मी अभी तक रेडी हुई नहीं है, इसको कितने बार बोल दिया सुबह से, बोलना माँ चल चल चल। वैसे तो मैं कल रात भर इतना सोया भी नहीं, फिर भी देखा मैं कितना चंक हूँ। देखा इसके अभी से फट गई गाइस, जो रात में सोता नहीं, गाड़ी पता नहीं कैसे चलाता है तो कोई नहीं चला लेंगे हम। आग बंद कर गई, गाड़ी में सोऊंगा ना, चिंता क्यों कर रही तू गाड़ी चलाते चलाते। तो आपको मिलते हैं अभी आगे, क्या सीन होता है। मम्मी रेडी हो जाना, चलो किचन साफ करके। 12 बज गए यार, 12 बज गए। अब तो पता नहीं कब करेगी, फिर दी के वहां जाना है बुआ को, 2 बजे से है। चलो 2 बजे से देखते हैं फिर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के वहां पे, बहुत ही गंदी हो रही है यार, ये कब से धोई भी नहीं है। आज देखता हूँ शाम को, अगर इसको टाइम मिला तो इसको आज धोता हूँ, नहीं तो बड़ी गंदी हालत होगी इसकी। तो गाइस अभी मम्मी भी आ गई है, अभी हम लोग चलते हैं। हाय गाइस, टाइम ज्यादा हो गया, 12:42 हो गया है, और बुआ का भी कॉल में कॉल आ रहा है। गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ नहीं, हम यहाँ दुबई में आ गए करके, इतनी गंदी गर्मी हो रही है फरवरी के मौसम में। पहाड़ पहाड़ नहीं रहे यहाँ पे भी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अभी हम लोग भी चलते हैं वहाँ पे, सब लोग कॉल कर रहे हैं, तो दिखाया जाएगा आपको आगे का दृश्य, आपको सुनाया जाएगा ये शिवपुराण सुनाया जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाय। किताब बनी रही यहाँ पर, सदा खुश रहेगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी के वहाँ पे, और इधर पे मेडी मिला हमको, ये गैंडा मेडू अभी तक शांत है। अबे यार, एक कोल्ड ड्रिंक गिरा दी इसने, सड़प सड़प। अबे रुक जा, रुक रुक कम ये भी ऐसे ही है, एक ये भी सांड हो गया खा खा के ने। अरे अबे
ले दिएगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गांव वाले गांव पे, मतलब जहाँ शिवपुरा हो रही है, मेरे गांव का व्यू ही है। और मेरा गांव तो पूरा पीछे है, और इसमें दूध है 20 पैकेट्स, वो भगवान को उधर पे चढ़ाना है। पीछे गाड़ी पार्क कर दी है, मम्मी लोग आगे निकल गए, अभी मम्मी भी आ रही है मेरे साथ, बुआ भी आ रही है, और लक्ष्मी दी की सासू माँ भी आ रही है। आप देख सकते हैं ये तीनों लोग तो आगे चले गए, थकाई भी लगी, रुक भी गए हो, थकाई तो मेरे को भी लग रही है। और ये है मेरे गांव से व्यू, इसको गोपेश्वर बोलते हैं शायद, ये वाले एरिया को उसको भदौरा बोलते हैं, उधर वाले एरिया को। और यहाँ से नीचे सैन्यू डार बोलते हैं, पूरा ग्रीनरी देख सकते हैं आप, कितनी मस्त ग्रीनरी है। तो गांव का माहौल तो ऐसे ही होता है, बाकी यहाँ भी गर्मी होने लगी। ये जा रहे हैं मम्मी पीछे से है, बीच में बुआ, सबसे आगे लक्ष्मी जी की सासू माँ, और यहाँ पर हो रहा है शिव पुराण। शिव पुराण आप देख सकते हैं, पहुँचने वाले हैं, ये पीछे हो रहा है शिव पुराण आप देख सकते हैं। बाकी हालत तो ख़राब होएगी है यहाँ पे चलने में, और आवाज़ कुछ भी नहीं सुनाई देगी, यहाँ पे स्पीकर लगे हैं क्योंकि। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पुराण चल रहा है, किसी पर जो है मंजू धारा के तट पर शिव को का दर्शन पाया था, और इसी से उस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया। और ये जो ओंकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो हो ही गई, तो ओंकारेश्वर लिंग जो है वो मनुष्य निर्मित है कहते हैं, स्वयं प्रकृति के इसका निर्माण। अभी आपको इसके आगे पीछे का व्यू दिखा दूं, मतलब ओंकारेश्वर आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर से वो रहा निशा लोगों का गांव जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वो उधर पे निशा लोगों का गांव है। और ये मंदिर में अभी थोड़ा सा ठंडा होने लग गया, यहाँ पे जब फर्स्ट दिन हुआ था यहाँ पे बहुत बड़ा मेला हुआ था, लेकिन अभी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी मानने वाले तो भगवान को मानते है ना, इसीलिए। और ये है मेन गेट, यहाँ से ये मेन गेट है, लेकिन हम दूसरे साइड से हैं क्योंकि वो गाड़ी से वो ही पास पड़ रहा था ना। तो गाइस मैंने माथा वाटा टेक दिया है, जो भी अशीक वगैरह लेनी थी ले लिया है। तो अभी मम्मी लोग तो भागवत सुन रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा लड़के लोग भी नहीं है, कोई किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पे। तो मैं नीचे चले जाता हूँ, थोड़ा आगे चले जाता हूँ, फिर 4-5 बजे आ जाऊँगा मम्मी को पिकअप करने, फिर हम लोग वापस जाएंगे अपने दीदी के वहाँ पे, आज वहीं रहेंगे, फिर कल सुबह दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो इसकी कथा क्या है देखते हैं। तो गाइस अभी मैं निकलने लग गया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं जान पहचान का, तो मैं करता भी क्या। तो मैं आपको अभी अपना गांव दिखाता हूँ, अगर दिखेगा तो ठीक है ना। वो जो एरिया है ना, ये छोटी वाली रोड देख रहे हो आप, ये मंदिर है, मंदिर से जो वाइट घर दिख रहे हैं ना, ये बीच में ये वाले वाइट घर, यहाँ पे मेरे नानी रहती थी, ठीक है, सॉरी दादी रहती थी, अब तो डेथ हो गई है। फिर ऊपर साइड को एक रोड आ रही है, ऊपर साइड को वहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग रहते थे वहाँ पे, फिर ये वाले वाइट वाले घर में रहते थे, और यहीं पे आजकल बना रखे हैं नया पापा ने। बाकी आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली, पूरी टेरेस फार्मिंग हो रही है यहाँ पे, भी सारे सीढ़ी नुमा खेत हैं यहाँ पे, ग्रीनरी भी बहुत है। निशा भावना तो आई नहीं, और निशा के पापा मिल गए थे यहाँ पे, तो उनसे बात बात हो गई थी, निशा ने कुछ भिजवाया था जादू का पेटी, तो दे दिया उनको, मतलब शाम को दूंगा। बाकी अभी तो मैं नीचे जा रहा हूँ और कुछ खा भी लूँगा, भूख लग रही है, क्योंकि वैसे घर में रहता हूँ तो नहीं लगती है,
जैसे बाहर जाने लग जाता हूँ ना मैं, तो भूख लगने लग जाती है मेरे को, तो जाते हैं अभी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में, मतलब मैं तो जल्दी आ गया था, फिर मैं ऐसे ही घूमने में लगा हुआ था। मम्मी लोग वहाँ पे शाम का वो जो प्रसाद होता है वो खा रहे हैं, और अभी आने वाले होंगे, कॉल तो आया था मम्मी का, तो अभी आने वाले होंगे वो लोग भी, तो अभी सीधे उसके बाद जाएंगे शायद दीदी के वहाँ पे, लक्ष्मी दी के वहाँ, आज वहीं पर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद कल दोबारा इधर पाएंगे। कल यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा है, तो प्रसाद वसाद लेके ही घर पे जाएंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या सीन है, पता नहीं कब आते हैं मम्मी लोग, मैं तो वेट कर रहा हूँ इनका कि कब आएंगे। बाकी शाम हो चुकी है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के वहाँ पे, आप देख सकते हैं, और अभी मम्मी बना रही है चाय, दीदी जा रही है अभी थोड़ा बाहर मार्केट में, मार्केट क्या बाहर ही है उनकी दुकान, तो गई जी चाय लेती है और दूध डालती हूँ, अंदाजा नहीं आता है दूसरे के घर का दूसरे के घर से घर का बोल लिए ना, यहीं पे तो रहती है आधे से ज़्यादा दिन, हर तीसरे दिन पहुंच जाती है इधर पे। तो अभी मैं भी छत में जाता हूँ, रचित लोग भी आ गए हैं घूमने से, वो घूमने गया था रचित, स्कूल था उसका, अभी मिल जाएगा वो। मैडी मैडी बड़ी को देख रहा है भाग्य FPV वाला लग रहा है ना, FPV वाला एक यहाँ पे मैडू, एक उधर पे बड्डू। ये देखो ये भी ऐसी है, ये भी चप्पल ही वो करता है, दे क्यों क्यों कर रहे थे मोटे मोटू मोडू मोडू। अभी हम लोग खेलने वाले कैरम, रेडी हो चुका है सब कुछ, कैरम खेलेंगे, और उधर उधर मैडी को देख सकते हैं आप, वो अलग ही पंख ला रहे हैं, पीछे पीछे बैठ सर।